डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2022 मोदी सरकार दे रही है पशुपालक किसानों को डेयरी खोलने के लिए 7 लाख रुपए के लोन पर 25 से 33% तक की सब्सिडी का लाभ। लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बेल डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2022 मोदी सरकार दे रही है पशुपालक किसानों को डेयरी खोलने के लिए 7 लाख रुपए के लोन पर 25 से 33% तक की सब्सिडी का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिकटो न्यूज में। नई दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन किसानों का आय का एक अहम जरिया माना जाता है। गाँव में अधिकतर किसान साइड इनकम के लिए पशुपालन करते है, जिससे अच्छी खासी इनकम अर्जित कर अपना जीवन यापन कर सके। परंतु पिछले कुछ सालों में ग्रामीणों के लिए पशुपालन आय का एक प्रमुख विकल्प बनकर सामने आया है। गांव में पशुपालन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा होने की वजह से किसानों के बीच डेयरी का व्यवसाय बेहद तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। केंद्र सरकार दुग्ध उत्पादकता बढ़ावा देने एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। इन योजना के माध्यम से सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को डेयरी फार्मों की स्थापना के लिए हर संभव मदद कर रही है। सरकार डेयरी उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर किसानों, पशुपालकों, गाय मालिकों, महिला और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से पशुपालक किसान को डेयरी फार्म शुरू करने के लिए बैंक की ओर से लोन दिया जा रहा है। लोन पर सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा दे रही सरकार है। केंद्र सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुपालक को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित करने वाली योजना है। योजना के तहत वे व्यक्ति जो डेयरी खोलना चाहते हैं या पुरानी डेयरी का विकास करना चाहते हैं, उन्हें नाबार्ड वित्त बैंक द्वारा 25% तक की सरकारी सब्सिडी पर लोन मुहैया करवाया जाएगा। वही SC/ST किसानों को 33.33% तक का सरकारी सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों को डेयरी के प्रति प्रोत्साहित कर रोजगार प्रदान करना है। हर महीने कमाए लाखों को मुनाफा। केंद्र सरकार की डेयरी फार्म खोलने के लिए नाबार्ड बैंक के माध्यम से आर्थिक सहायता के तौर पर 25% तक की सरकारी सब्सिडी पर 7 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC जिप लोन द्वारा MSME कारोबारियों को 7.5 लाख रुपए तक का व्यापारिक लोन बिना कुछ गिरवी रखे और न्यूनतम कागजातों पर सिर्फ 3 दिनों में प्रदान किया जाएगा। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत यदि आप 20 गायों के साथ डेयरी की स्थापना करते हैं, तो उन गायों से आपको 200 लीटर दूध हासिल हो रहा है। इस दूध को बेचकर आप 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं, तो आप प्रतिदिन 10,000 रुपए कमा सकते हैं। इस हिसाब से आप औसतन महीने में 3 लाख रुपए आराम से हासिल कर सकते हैं। अगर आप पशुओं की देखभाल के लिए 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो भी आपको 2 लाख रुपए का फायदा आराम से मिल जाएगा। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लिए नियम और शर्तें। सरकार के नियमों के हिसाब से इस योजना का लाभ केवल एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति उठा सकते हैं। इस योजना का लाभार्थी परिवारों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों को केवल एक बार ही डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति छोटी डेयरी की स्थापना करना चाहता है, तो उसे अपनी डेयरी में क्रॉस ब्रीड गाय, भैंस, औसत एक से अधिक दूध देने वाली जैसे साहीवाल, रेड सिंधी, गिर गाय, राठिया, भैंस रखनी होगी। वे व्यक्ति जिसके पास 2 दुधारू पशु वाली डेयरी यूनिट है, तो उन्हें सरकार द्वारा 35,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। SC/ST श्रेणी के किसानों को 2 दुधारू पशु सहित डेयरी की स्थापना करने हेतु 46,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार व्यक्ति या संस्थान द्वारा स्थापित की गई डेयरी में अधिकतम 10 दुधारू पशु रखे जाते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पशुपालक स्टार्टअप इंडिया और नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://nabard.org पर विजिट कर सकते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के डेयरी फार्म खोलने के लिए आप सभी कमर्शियल बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड बैंक और अन्य ऐसे संस्थान जिनका नाबार्ड से संपर्क हो, उनसे सब्सिडी पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।